प्रलोक जैसे आपका मतलब ऐसे प्यारा सा प्रॉपर शेप में चाह रहा था इनका थोड़ा सा वैसे कॉल आ रही थी शायद यार आपको मैंने कहा था 2 मिनट वाइफ पे आ तो नेक पे करवाने की है तो यार होता है आप बताएं होता नहीं यहां पे दो तो मुझे वैसे ही आपको दिख आ जाता है आप इधर बाहर क्यों आ गई हैं मैं ये ब्लॉग ओए आहिस्ता आहिस्ता जाने दूंगी फीमेल डॉक्टर ऐसे करके टच करे फिर Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. और आज मैं बहुत अरसे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई चीज़ लेके और वो नई चीज़ पर आपकी कैप तो पुरानी है और फेस पुराना है कैप भी पुरानी है साल। यही होता है जब शादी हो जाए ना उसके बाद सब चीज़ें पुरानी ही लगती हैं शोहर पुराना लग रहा है मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि नई आपने बोला है ना तो आप पुराने हैं खैर एनीवेज इनका तो काम है आपको पता है खैर एनीवेज अच्छा ये आपके फैंस ये चीज नोट करेंगे आप खैर एनीवेज बहुत मेरी मर्जी ना मैं रैंडम है कोई स्क्रिप्ट तो थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं क्या बोला मेरी मर्जी हां ये रही इनकी हाइट देखें मेरी मर्जी बोला आपने आपने मेरी मर्जी बोला मैं कह रहा हूं आप मेरी हैं तो मेरी मर्जी ना मतलब मर्जी होगी ना मेरी सो एनीवेज आज हम लोग एक न्यू चीज लेके आ रहे हैं न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो बहुत से लोगों को अजीब भी लगेगी और बहुत से क्रिएटर्स कहेंगे यार पता नहीं क्या लेके आए हम लोग लेके आ रहे हैं एक नई चीज़ जिसका नाम है प्रलोग PRALOG मतलब प्रैंक्स और व्लॉग्स को हमने मिक्स कर दिया है और आज से हम लोग एक न्यू एपिसोड्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसका नाम होगा प्रलोग और मतलब हम लोग रैंडम और मैं इनके साथ करूंगा अभी तो क्योंकि इंट्रोडक्शन है खुला बता रहे हैं और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन व्लॉग है ठीक है अभी हम लोग ऐसी बस एक जगह जा रहे हैं सो मैंने कहा एक नॉर्मल व्लॉग में इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा दें न्यू चीज़ हम लोग प्रैंक प्लस व्लॉग जो इनके साथ होगा आप जाके मेरे लिए खाना लेके आए प्लीज़ खाना लगा देना प्लीज़ सो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को हमारी नई चीज़ जो हमने बहुत सोचा है जिस चीज़ के ऊपर और वो एक न्यू चीज़ लेके आ रहे हैं और खैर एनीवेज मेरी बीवी इस टाइम बहुत प्यारी लग रही है खैर एनीवेज आप जाके खाना लगाएं अच्छा आप जाएं मेरे लिए खाना लगाएं सही है बाय 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 सो गाइस पहले ही इंट्रोडक्शन व्लॉग में प्रलोक में मैं मदिया के साथ करने लगा हूँ एक प्रैंक हम लोग अभी जा रहे हैं जो क्लिनिक है हमारा भी बीच में थोड़ा सा हमारा भी क्लिनिक है फ्लू इनको सो वहाँ जाके मतलब मैंने इसको कहा यार वैसे हमने वैसे ही डॉक्टर अहमद से मिलने जाना है कुछ डिस्कशन करनी है मदिया ने भी अपनी डॉक्टर के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी है तो मैं वहाँ ना इनके साथ प्रैंक कर दूँगा यही प्रलोग है हमारा कि रैंडम व्लॉग में प्रैंक्स सो अभी हम जाएंगे और मैं रास्ते में कभी कुछ सोचता हूँ कि कैसा प्रैंक होना चाहिए सो गाइस मेरे साथ जुड़िए रहिएगा सही है आई गेस मैंने सही वर्ड बोला सो गाइस हम लोग ग्लो एंड गो आ चुके हैं और अभी मेरे साथ हैं हुज़ैफ़ा एंड मलीहा सो ये सोशल मीडिया मैनेजर है और आप यहाँ के और कितने साल हो गए आपको यहाँ एंड आपको एक साल हो गया ठीक है सो मैंने इनको बता दिया कि इन्होंने करना क्या है कि मलीहा को प्रैंक कर दिया ठीक है और हम शो ऐसे कराएंगे कि व्लॉग बन रहे हैं और हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं सो उसमें हमने इनको प्रैंक करना है सो आप रेडी आप तो हमेशा भी क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारे साथ वीडियोस बनाई हैं सो आइए चलते हैं मदिया को प्रैंक करते हैं माशा ये मदिया पहले से अपना फ़ौरन शुरू कर दिया इन्होंने यार मेरा वेट तो कर लेती अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक हैं आई होप आप सब इनको पहले से जानते होंगे अहमद की वीडियो में या अल्लाह खैर बुलाना है हेलो मिस आप भी खोल लें मिस तुसी फेर आ गए हो मेरा फोन पे डन इस दफा अपील करने आई हूं माइक्रो नीडलिंग नहीं करी मैं भी आपके इंजेक्शन थैंक यू ओ पना हो यार तुसी मेरे तमाशा बनाया है जदों आदा फोन कट लेते हो अरे रुके कहां जा रहे या सो हम लोग आए थे अपने ही क्लिनिक ग्लो एंड गो जहां मदिया ने क्या करवाना आपने आईफोन क्यों मुझे डबल चिन लगता है कि बहुत ज्यादा दिखाएं किधर है डबल चिन ये माशाल्लाह से बहुत कम है वैसे खैर मुझे भी कुछ आपसे अपनी चीज़ों के बारे में पूछना था सो हमारे साथ यहाँ एक और भाई हैं अस्सलाम वालेकुम ज़ैफ़ा भाई जो यहाँ सोशल मीडिया मैनेजर है
आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जी जी बताएं। ये हमारी वीडियो बना देंगे, ऐसे व्लॉग है नॉर्मल। श्योर श्योर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ लोगों को भी कुछ अवेयरनेस हो ना इस बारे में। आपने भी हेल्प लेकिन मैं हाइड्राफेशियल ले लूं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। मुझे इनके काफी ब्लैक हेड्स लगते हैं प्लीज। ये इनकी दाढ़ी भी बहुत अजीब सी, ये भी सही कर दीजिएगा। तो गाइस आइए चलते हैं हम लोग हाइड्राफेशियल की तरफ। मैम अब मेरा करेंगी हाइड्राफेशियल और आई डोंट नो मैं दिया क्यों गुस्से में। सो आप मुझे इसका कुछ बताएंगे कि इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे आपके जो ये ब्लैक हेड्स हैं नोज पे बहुत ज्यादा ये जो स्टक हुआ है मैं सारे क्लींस हो जाएंगे, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, आपकी जो अनइवन स्किन टोन भी है आई कैन सी अ लॉट ऑफ रफ टेक्सचर ओवर हियर ये काफी हद तक स्मूथ हो जाएगा। सो इसमें कॉल आ रही है बता रही थी कि इससे क्या होता है? ग्लो आते हैं फेस के ऊपर, इंस्टेंटली आपके ब्लैक हेड्स, ब्लैक हेड्स दो तो मुझे वैसे ही आपको दिखा जाता है। ब्लॉग में कुछ बोल रहे हैं काफी सॉफ्ट है।
आप ट्रीटमेंट करवाती है, मैं कुछ कहता हूँ तो क्या हो गया इसमें? हम नेक करेंगे तो उसके लिए अपनी कॉलेज इन्वर्ट करेंगे। नेक पे करवाने की मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जरूरत है, आप जानबूझ के नेक पे करवा रहे। मैंने जानबूझ के क्यों करवाना, क्या हो गया? तो नेक पे करवाने की है। तो यार होता है, आप बताएं, होता नहीं यहाँ पे नेक पे कर दिया। तो इसमें इस तरह करने की क्या जरूरत है यार? जल्दी करें, मुझे घर जाना है। अच्छा आप गाड़ी में बैठ जाएंगे आके? दिमाग नहीं खराब करें, बैठे यार आप बाई चले, दो मिनट बाई चली जाना यार। मैं बाहर जाऊंगी फिर अंदर नहीं आऊंगी कभी। तो ना आओ ना, जाओ यहाँ से। सामने बेइज्जती करवा रही है यार। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं कब से, मैं बाहर चली जाती हूँ। आप प्लीज ब्लॉग बंद करवा दें, छोड़ दें सारा ब्लॉग, वैसे ही खराब कर दिया आपने। जाए यहाँ से, जाए। आपने भी मन माइंड तो नहीं थी। मेरा ख्याल है अब उसको बता देते कि हम लोग प्रैंक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हो जाएगा। गाइस मलिया इससे नाराज़ होकर बाहर चली गई और मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा उसके पीछे, उसको देखने के वो कहाँ है और क्या कर रही है। पुल कहाँ गई मलिया? गाड़ी तो मेरी उधर। यार मलिया इधर क्या कर रही हैं आप? ऊपर का वेट कर रही। कौन सी ऊपर? जो आएगी। क्या हुआ, आप इधर बाहर क्यों आ गई हैं? ऊपर का वेट कर रही हूँ। अंदर आए ना, ऐसे थोड़ी आते हैं। ऊपर का वेट कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आपने ही तो कहा है। मैं चली जाती हूँ ऐसे, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा रात में कोई बात नहीं, जबरदस्ती अच्छा नहीं लगता। सॉरी मैं चली जाती हूँ। सॉरी ना, मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, जान जाती हूँ ना। चले चलती रहें, चलती रहें, नीचे है नीचे, सबके एंड में बिल्कुल जान करने में। चले ना, कैमरा मेरा बहुत गंदा हो रहा है यार। व्लॉग का तो एटलीस्ट बंदा अच्छा पार्ट ले लेता ना। मैं ये व्लॉग वो आहिस्ता आहिस्ता जाने दूंगी। आहिस्ता यार क्या हो गया, ये व्लॉग बंद करें क्या? व्लॉग व्लॉग यार क्या हो गया, व्लॉग बंद यार क्या हो गया? आहिस्ता बात करो, बेइज्जती होती है बंदे। वो आपको बुला रही है, वो लग रहा है उनको वो रोने लग गई पता कि मेरे पे इल्जाम लगा रही है। तो यार बंदा हमारी घर की बात है, इंसल्ट करेंगे मेरी। यार हमारी घर की बात है, ऐसे थोड़ी करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। उनको आप सॉरी करने आप मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगी। मतलब आपको सॉरी बोलना पड़ेगा आपको। मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा जी, आपने गलत किया। मैं ऐसे चली जाऊँ? गलत किया आपने। मैं अंदर जाके कुछ और बोलकर आ जाऊंगी, सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी। गलत किया, गलत किया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा 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 इधर आइए। बहुत इंसल्ट हो रही है मुझे, बहुत इंसल्ट कर रही है। मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप। अच्छा इधर आए। इधर आए ना, उन्होंने बात करनी है आपसे। सॉरी कहें
बैठे ना यार, दो मिनट बैठे, बैठे नहीं बना रहा वीडियो, सॉरी भले तो हैं वो रोई हैं आपकी वजह से, सॉरी कहना अच्छा नहीं लगता, पता है ना हमने यहाँ काम करना है, आपने यहाँ बाद में काम करना है, और उनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोई 2 साल हो गए, नया वहाँ हमारा काम शुरू हो रहा है। अच्छा सॉरी कहना, हम बाद में डिस्कस, बहुत अच्छा लग रहा है ना आप सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। यार क्या इंसल्ट कर रहा हूँ, आप सॉरी कहना, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं आपकी लाइफ में आई। बहुत ज्यादा ना करो, मेरा तीनों का प्लान था आपके साथ प्रैंक करने का, आई एम रियली सॉरी, बहुत छोटा सा बहुत ठंडा प्रैंक किया, लेकिन हमने ट्राई किया आपको प्रैंक करने की। हाँ जो स्टार्टिंग में दिखा देंगे, जो स्टार्टिंग में हमारी डिस्कशन है वो मेरे पास क्लिप पड़ा है सबूत के तौर पे, कहेंगी तो मैं अभी व्लॉग में भी दिखा देता हूँ। आपके सामने ही शुरू किया था प्रैलॉग, क्या हो गया उस वक्त, तो बड़ा बोल रही थी कि मैं आपको प्रैंक करूंगा, हैं प्रैंक करेंगे आप मुझे बताएं, यार चुप हो गई है बिल्कुल, आप वाकई प्रैंक था, पूछ रहे उनसे okay, घर चले। अच्छा यार गाइस मुझे लगता है कि मेरी बेगम जो है इस टाइम काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में है, सो ज्यादा नहीं हम करते, बाकी की चीज़ जो इनका रिएक्शन है वो मेरा ख्याल है यहाँ से बाहर जाके दिखाएं, क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल है। सो बाहर दिन दिखाते। सो गाइस ये था हमारा आज का पहला एपिसोड, जो कि मैंने कि अपलोड होगा ही नहीं क्योंकि मेरी पहले ही प्रैंक में बहुत इंसल्ट हो चुकी है, तो ये तो मैं इंसल्ट तो नहीं दिया बिल्कुल भी नहीं। ऐसा याद है आपने एक लड़की वाला प्रैंक किया था तो मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी, तो अभी दोबारा ये इंसल्ट नहीं हो सकती। यार क्या हो गया यार, एक छोटा सा आपको बताया है, आपको व्लॉग के मैंने जब ये आइडिया बनाया था तो मैंने बताया कैसा था कैसा लगेगा अगर मुझे कोई मेल डॉक्टर ऐसे करके टच करे, फिर क्या हो गया, इसकी तारीफ करूं आपके सामने, क्या हो गया, इसकी स्किन तो बुरी है, डॉक्टर की स्किन अच्छी है, कैसा लगेगा, प्रैंक करना था, सुनना भी बर्दाश्त नहीं है आपसे, सुन भी नहीं सकते आप, देखो प्रैंक था उसको सीरियस मत लो, प्रैंक अच्छा अगर मैं ऐसी चीज कर दूं ना कोई, तो मतलब मैं तो सोच नहीं सकती, मुझे लगता है इसका रिजल्ट जो है वो काफी बुरा आएगा। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेल डॉक्टर मुझे मिल जाए, मुझे तो कोई भी अब मिल जाए, मैं तो उसके सामने नॉर्मल है, ओ ऐसे कितना प्यारा लड़का है, आप कितने बुरे हैं। ये देखो 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 ये देखो देखो ये डालिएगा, ये व्लॉग में डालिएगा, यह व्लॉग में डालिएगा, एंड नहीं हो रहा व्लॉग का, अगर ये व्लॉग डालेगा तो आप मुझे 2 iPhone 14 Pro Max देंगे। किस खुशी में, मैं अपने लिए एक नहीं ले सक रहा, तो मैं क्या करूँ, व्लॉग डालना है आपने, जितने लोग ये व्लॉग देखेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी, और अर्निंग होगी तो आप उससे मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके देंगे। ऐसे वो लड़का कितना प्यारा है, मैं ये कितना लड़का ऐसा, ये भी जान के मैं कह रहा था, मैं आप लोगों को इसका रिएक्शन दिखाना चाहता था, देखे बाद में रिएक्शन इसका क्या है, देखा है? फेस देखें, ये देखे, बदला ऐसा अच्छे नहीं है, वो लड़का कितना प्यारा है, अच्छा मेरी नाक में ना घुसेड़ देना, ऐसे ऐसे हुआ एकदम, बंद करे ना, लड़का प्यारा है, कोई लड़का प्यारा है, लड़का प्यारा हो गया। बीवी के मामले में कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता, बीवी के मामले में, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक प्रैलोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रैलोग रात में मैंने सारा डिसाइड किया था जो करना है, कि हम लोग एक ऐसा कंटेंट शुरू करते हैं जिसमें व्लॉग्स बनेंगे हमारे, लेकिन उसमें मैं आपको प्रैंक करूंगा, ये नहीं मैंने बताया था कि मैं प्रैंक क्या करूंगा, ऐसा ना घर जाए आपके सामने पैरों में मैंने सूंडियां फेंकी हुई हो, कॉकरोच फेंके हुए हो, इतनी उल्टी सीधी चीजें फेंकी हुई, फिर रोइएगा मत, पाउडर मुंह पे, फिर रोइएगा मत, फिर प्रैंक हम अच्छा वाला करेंगे, तो इन्होंने मुझे पहले आइडिया दे दिया, अब मैं रेडी रहूंगा। एनीवेज गाइस उम्मीद है आपको ये एपिसोड 1 अच्छा लगा होगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और प्रैंक करूंगा इनके साथ, और देखते हैं हाइड्रोफेशियल करवाने जाऊं, वो लड़का कितना प्यारा है। अल्लाह हाफिज़ गाइस।